मकान बनाने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ ईंट का बढ़ सकता है रेट। ये खबर मकान बनाने वालों के लिए बहुत बुरी है, क्योंकि आने वाले दिनों में ईंट महंगी हो सकती है। 11, 12 और 13 तारीख को संगरूर जिले के ईंटों के भट्ठे रहेंगे बंद। उनकी तरफ से किया जाएगा रोष प्रदर्शन। कोयले के रेट महंगे होने के कारण ईंटें हो रही हैं महंगी। भट्टा मालिकों ने कहा कि पिछले साल कोयले का रेट 10,000 रुपये टन था, जो कि अब 20,000 रुपये टन हो चुका है। हम सरकार के आगे फरियाद करते हैं कि कोयले की ब्लैक मार्केटिंग को रोका जाए और कोयले के रेट पर कंट्रोल किया जाए। अगर कोयले के रेट इसी तरह बढ़ते रहे तो आम लोगों के लिए मकान बनाना मुश्किल हो जाएगा। देखिए संजू रावत की रिपोर्ट। मेरा गोपाल बंसल है जी। गोपाल जी, हड़ताल करन जा रहे हो, कितने दिन की हड़ताल है? 3 दिन की हड़ताल है जी सेल दी। पिछले साल कोरोना की मार रही, इस करके हुण कोले दे रेट ज्यादा होण करके सानूं पठियां नूं बहुत दिक्कत आ रही है। की दिक्कत आ रही है जी? यही मतलब कि कोले दे रेट, कोला वध लगूगा जी, कोला वध लगन करके इट्टां दे भी रेट वधणगे, इस करके भी सानूं कोले ते ठल पई जावे। ओके, किन्ना रेट हो चुका है? कोले का रेट 20,000 रुपये हो चुका है। पिछले साल 10,000 रुपये से जो 20,000 रुपये के करीब पहुँच गया, हजे भी इतने रुक नहीं रहा। इट का रेट 45-40 सौ रुपये, जो अज की घड़ी हूँ 55-56 सौ रुपये हो चुके हैं। हाँ, इटा रेट होर भी बदल गए जी। इस अलावा सरकार तो यही मंग है भी कोले के रेट ठल पाई जाए। ਬੱਬੂ ਗਰਗ। ਬੱਬੂ ਗਰਗ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਸਾਡੀ ਸੇਲ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕੋਲੇ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ। ਅਸੀਂ ਸੇਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, 11, 12, 13 ਤਰੀਕ 3 ਦਿਨ ਸੇਲ ਬੰਦ ਰਹੇਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੋਲਾ 11,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਐਤਕੀ ਸਾਨੂੰ 20,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਕੋਲਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਲੇ ਦੇ ਰੇਟਾਂ 'ਤੇ ਠੱਲ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਟ ਸਾਨੂੰ 4,500 ਰੁਪਏ ਕੋਸਟ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ 5,500 ਰੁਪਏ ਕੋਸਟ ਕਰੇਗੀ। पिछले साल सानू कोरोना की बहुत वड्डी मार पई, लेबर की बहुत दिक्कत आई, इस करके सानू हुण कोले करके बहुत ज्यादा परेशानी आ रही है।